आप सभी को जय श्री श्याम। आज की वीडियो में हम आप सभी प्रेमियों को घर बैठे खाटू धाम के संपूर्ण यात्रा के दर्शन करवाएंगे। कलिकाल का फल है मानसिक यात्रा से वास्तविक यात्रा का फल मिलता है, तो सभी प्रेमी एक स्थान पर बैठ जाएं और घर से ही खाटू धाम की संपूर्ण यात्रा प्रारंभ करें। सभी से प्रार्थना है, कोई भी एक मनोकामना बाबा के दरबार में लगाइए और कहिए, बाबा यहाँ हम आपकी यात्रा पूरी करते हैं, वहाँ आप हमारी मनोकामना पूरी कर दीजिए। लेकिन याद रहे, कोई स्पीड बढ़ा के वीडियो नहीं देखेगा, कोई बीच में छोड़ छोड़ के वीडियो नहीं देखेगा और कोई भी यात्रा छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि यात्रा कभी अधूरी नहीं छोड़ी जाती। प्रार्थना है आपसे, तोरण द्वार पर पहुँचिए, आप सभी बाबा श्याम बाबा हनुमान को प्रणाम करिए। और यहाँ जो पुरुष हैं वो साष्टांग लेट कर प्रणाम करेंगे, तोरण द्वार पर लेट कर प्रणाम करेंगे जो पुरुष हैं वो, और जो महिलाएं हैं वो घुटनों के बल बैठकर बाबा को प्रणाम करेंगे। तोरण द्वार वह द्वार जहां देवी देवता भी जिसको पार करने के लिए तरसते हैं। आहा, आप घर बैठे दर्शन कर रहे हो, दर्शन करिए मेरे श्याम सुंदर के, दाया पैर आगे बढ़ाकर प्रवेश कर जाइए बाबा के दरबार में। अब हम बाबा के दर्शनों के लिए आगे की ओर चल पड़े हैं, तो सभी प्रेमी अपनी कोई भी एक मनोकामना अपना नाम लिखकर नीचे कमेंट बॉक्स में हिंदी में जरूर लिखें, ताकि हम भी बाद में आपकी अरदास पढ़कर बाबा को सुना सकें। बाबा का पवित्र दरबार, यहाँ काफ़ी श्रद्धालु आए हुए हैं, यहाँ से हम बाबा की एक प्रतिमा खरीद रहे हैं। कौन सी प्रतिमा खरीदनी है, सभी प्रेमी ध्यान से देखेंगे। देखो कितनी सुंदर प्रतिमाएँ हैं, लेकिन हमें ये नहीं लेनी है। यहाँ भी आपको कई प्रतिमाएँ दिखाई दे रही हैं, हम बाबा श्याम और बाबा हनुमान की इकट्ठी प्रतिमा खरीदेंगे। ये देखिए, आप सभी भी जब कभी भी आओ यह प्रतिमा खरीदनी है आपको। नहीं, दो वाली, बाबा श्याम भी है बाबा हनुमान भी है, बिल्कुल सिंपल प्रतिमा है। कहीं उठाकर रख सकते हो, दीवार पर चिपका सकते हो, कहीं भी रख सकते हो। आप सभी को भी यही प्रतिमा खरीद कर अपने घर लानी है, और यहाँ से हम ये प्रतिमा खरीद कर इसमें बाबा श्याम और बाबा हनुमान को विराजमान करवाएंगे और फिर घर लेकर आएंगे। तो प्रार्थना है हमारी कि आप भी यही प्रतिमा जरूर लेकर आएँ अपने घरों में। अब हम बाबा के दर्शनों के लिए आगे की ओर बढ़ रहे हैं, बाबा के प्रेमी दर्शनों के लिए बाबा के श्री चरणों की तरफ जा रहे हैं। आप सभी भी जिनकी कोई अरदास है तो अरदास लिखिए, अरदास नहीं तो भी कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिखेंगे सभी को, ताकि आपकी हाजिरी बाबा के दरबार में लग सके। कहाँ कहाँ जाना है, कैसे करना है, सारी बातें आपको बताई जाएंगी। साथ ही साथ ही प्रार्थना करता हूँ कि आपका अपना यूट्यूब चैनल है, अपना फेसबुक परिवार है, बने रहिए, साथ देते रहिए, क्योंकि आपके साथ के बगैर भी तो हम कुछ नहीं हैं। आप सभी प्रेमियों ने इतना साथ दिया, प्यार दिया, तभी तो यहाँ पहुँचे हैं। श्री श्याम देवाय नमः, क्या बात है, बाबा के दरबार में पहुँच चुके हैं। सभी प्रेमी हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे, दर्शन करेंगे इस दिव्य पवित्र तीर्थ के, जहाँ के दर्शन मात्र से कल्याण है। अब हम श्री गणेश जी महाराज के दरबार में पहुँच चुके हैं, सभी प्रेमी गणेश भगवान के दर्शन करेंगे और अपनी अरदास श्री गणेश भगवान को अर्जी लगाएंगे, और श्री गणेश भगवान से ही हर यात्रा शुरू होती है। तो यहाँ से भी गणेश जी महाराज का मंदिर है, तो सबसे पहले हमें यहाँ प्रार्थना करनी है, गणेश भगवान के सबसे पहले हमें दर्शन करने हैं। लगभग प्रेमी ये काम नहीं करते, तो भाई जब भी आप खाटू धाम आओ, उस समय सबसे पहले आप श्री गणेश जी महाराज के दर्शन करोगे, सबसे पहले यहाँ प्रणाम करोगे और फिर आगे की ओर प्रस्थान करोगे। यहाँ आपको पुजारी महाराज मिल जाएंगे, यहाँ प्रसाद चढ़ाइए, पुजारी जी से तिलक करवाइए, और जो भी यथासंभव हो सके 5-10 रुपए की दक्षिणा इनके श्री चरणों में जरूर समर्पित करिए, आशीर्वाद लीजिए, और फिर यहीं से आगे की ओर बढ़ चलना है। तो सभी प्रेमी गणेश महाराज के दर्शन करेंगे, जय जयकार करेंगे और आरती ले लेंगे। आरती का समय था भाई ये, आरती लेंगे सभी प्रेमी घर बैठे बैठे। अब हम प्राचीन श्याम कुंड पर आ पहुँचे हैं। सबसे पहले चिंताहरणी माता का मंदिर है, हमें यहाँ हमारी सारी चिंताएँ छोड़कर जानी होती हैं। प्रार्थना करें, हे माता चिंताहरणी, इस दास की भी और जो प्रेमी दर्शन कर रहे हैं उन सभी की भी चिंता आप अपने दरबार में रख लीजिए माता, प्रार्थना है आपके श्री चरणों में। श्री बालाजी महाराज के दर्शन करेंगे सभी प्रेमी, जय श्री हनुमान जी महाराज। यहाँ बाबा हनुमान के दर्शन करके
प्राचीन श्याम कुंड लिखा हुआ ना नीचे, अब हम श्याम कुंड की तरफ जाएंगे। यह वह प्राचीन श्याम कुंड है जहाँ से बाबा श्याम का शीश प्रकट हुआ था। ये देखिए, ये प्रकट स्थल है, यहाँ से बाबा श्याम साक्षात स्वरूप में प्रकट हुए थे। तो सभी प्रेमी यहाँ दर्शन करेंगे बाबा के, बाबा से प्रार्थना करेंगे कि ये मनोकामना है पूरी कर दीजिए, ठाकुर जी आपकी इस मनोकामना को जरूर पूरा करेंगे। सभी प्रेमी जय श्री श्याम लिखते रहें, अरदास लगाते रहें, बाबा के और बाबा के भक्तों के दर्शन करते रहें। अब हम श्याम कुंड में पुजारी महाराज के और बाबा श्याम के दर्शनों के लिए सीढ़ियों से ऊपर की ओर चल पड़े हैं। आप सभी को दर्शन होंगे, चिंता मत करिए। कोई भी प्रेमी जहाँ जहाँ भी जाएंगे ना, सारे दर्शन होंगे, चिंता मत करिए। ठाकुर जी ने बड़ी सुंदर व्यवस्था कर दी है, तो किसी प्रकार की रुकावट नहीं होगी, आप बस दर्शन करते रहिए। जय श्री श्याम जी महाराज। हे बाबा श्याम, इस समय मुझे तो नहीं पता कितने प्रेमी आपके दर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना है मेरे मालिक, जो कोई भी प्रेमी आपके दर्शन करे और आपके इस दास को प्यार दे, प्रेम दे, और आपका जो यह यूट्यूब चैनल है या फेसबुक परिवार है, जो इससे जुड़े उनकी मनोकामना पूरी कर दीजिए मेरे ठाकुर। श्री पुजारी जी महाराज, हम पहले भी बता चुके हैं, जब भी खाटू धाम आओ आप इनसे ज़रूर मिलिएगा और अपनी अरदास इनसे ज़रूर लगवाइएगा, या तो हमारा नाम इनको बता दीजिएगा या हमारी वीडियो इनको दिखा दीजिएगा, या आपको पहचान जाएंगे और इनसे आशीर्वाद आप ज़रूर ले लीजिएगा। पुजारी जी महाराज इतने विद्वान होने के बाद भी बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए प्रेमी हैं ठाकुर जी के, आह हा, धन्य हो जाता हूँ इनसे मिलकर मैं। आप भी ज़रूर आइएगा। अब हम श्याम कुंड पर पहुंच चुके हैं जहां स्नान किया जाता है, तो इस जल को स्वच्छ रखने की जिम्मेवारी हम सब की है भाई। यहां किसी प्रकार की गंदगी नहीं फैलानी है और संभल के चलना है, क्योंकि यहां पानी ज़्यादा होने के कारण फिसलन की परिस्थिति कई बार उपस्थित हो जाती है, तो हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना है। बिल्कुल सावधानी के साथ सिर्फ स्नान करें और ऊपर की ओर वापस चल पड़ें, तो सभी प्रेमी दर्शन करेंगे। अब हम बाबा के दर्शनों के लिए आ चुके हैं श्याम बगीची। हम आपको आलू सिंह महाराज के भी दर्शन करवाते, लेकिन श्याम बगीची को कलेक्टर साहब के आदेशानुसार बिल्कुल बंद कर रखा है, तो उस वजह से हम आपको वहाँ तो दर्शन नहीं करवा पाएंगे। अब हम यहाँ से निशान, अंदर निशान तो ले जाने देंगे नहीं, तो हमने जो निशान था उसको गले में डाल लिया है, डंडा यहीं रख दिया है, झंडा हमने अपने हाथों में ले लिया है, गले में डाल लिया है, सर पर विराजमान करवा लिया है। अब हम आगे की लाइनों से, क्योंकि जो प्रेमी साथ गए हुए थे उनका मन था कि हमें आगे से बाबा के दर्शन करवाइए, तो आगे से दर्शन हम भी करेंगे, आपको भी होंगे, सभी को भी, और फिर हम दोबारा से लाइन में लगकर आपको बाबा श्याम बाबा हनुमान के दर्शन भी करवाएंगे। आप देखते रहिए, संपूर्ण दर्शन होंगे। श्री राधा कृष्ण जी के दर्शन करिए, सभी प्रेमी दर्शन करेंगे, प्रणाम करेंगे। अब यहाँ भी आपको ठाकुर जी के दिव्य दर्शन होंगे। एक बार ठाकुर जी की नज़रों में नज़रें मिलाइए और जो भी अर्जी अरदास लेकर आए हो बाबा से लगा देना, बता देना बाबा को कि ठाकुर जी अब तो सुन ले यार, खाटू धाम की यात्रा सफल होने जा रही है। प्रेमियों देखो, बातों बातों में पता ही नहीं चला, 8 मिनट से ऊपर का समय हो चुका है, पता ही नहीं चला बातों बातों में कि कब बाबा ने केवल 8 मिनट में ही आपको और हमें अपने दरबार में बुला लिया। बस जो निश्चल हृदय से बैठे हैं ना, सभी की अरदास स्वीकार होगी, कोई भी प्रेमी खाली नहीं जाएगा। हाँ, आप भी दर्शन करिए, हम भी बाबा के दर्शनों के साथ साथ आप सब के लिए प्रार्थना करते हैं। क्या बात है, मेरे श्याम सुंदर के सुंदर दर्शन, सुंदर ही श्याम है, श्याम ही सुंदर है। हे ठाकुर जी महाराज, इस समय जो प्रेमी दर्शन करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं उनकी अरदास स्वीकार करिए मेरे प्यारे, कोई भी एक अर्जी स्वीकार करिए मेरे मालिक। सभी प्रेमी दर्शन करेंगे भाई, बाबा श्याम के दिव्य दर्शन करेंगे सभी प्रेमी, अरदास लगाएंगे, अर्जी लगाएंगे, बाबा को निहारेंगे। इस समय जो प्रतिमा हमारे पास थी उस प्रतिमा को लेकर आए हैं, जो पुष्प था वो साथ में है, पुष्प हमने यहाँ नहीं रखा क्योंकि यहाँ पुष्प की बिल्कुल दुर्दशा, देखो हमारे ऊपर से कैसे पुष्प जा रहे हैं, कैसे इत्र फेंका जा रहा है, बिल्कुल गलत है भाई, ये कोई प्रेम नहीं है, ये कोई भक्ति नहीं है, ये बिल्कुल जीरो है, बकवास है, दकियानुसी बातें हैं, ऐसा आप मत करिएगा। नीचे इत्र की शीशियाँ टूटी फूटी पड़ी हैं, बड़े बच बच के निकलना पड़ा भाई, तो ऐसा कोई भी काम नहीं करना है। अब हम दूसरे रास्ते से आपको बाबा श्याम और बाबा हनुमान दोनों के दर्शन करवाएंगे। चलिए अब दूसरे रास्ते चलते हैं, वहाँ से दर्शन करवाते हैं आपको।
सभी प्रेमी दर्शन करते रहेंगे और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिखते रहेंगे। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। बाबा के दर्शनों के लिए सबसे आखिर में खड़े हैं भाई। पहुंच ही चुके हैं बाबा के दर्शनों के लिए बाबा के दरबार में, तो सभी प्रेमी साथ बने रहें, दर्शन होंगे सभी को बाबा के। अब हम दूसरे रास्ते से बाबा के दर्शनों के लिए लाइन में लगे हैं, तो आप सभी को बाबा श्याम और बाबा हनुमान दोनों के दर्शन करवाएंगे। और उसके साथ साथ जिन प्रेमियों ने आज तक अखंड ज्योति के दर्शन नहीं किए हैं, उनको हम अखंड ज्योति के भी दर्शन करवाएंगे भाई। सभी प्रेमी बने रहिएगा, दर्शन करते रहिएगा, अपनी अरदास अपनी अर्जी लगाते रहिएगा। और कोशिश करिएगा आप हिंदी में कमेंट किया करो, ताकि जल्दी जल्दी आपकी अरदास सही तरीके से पढ़ पढ़ के बाबा को सुनाया जा सके। और आपका अपना YouTube चैनल है भाई, आपका अपना Facebook परिवार है, बने रहिए, जुड़े रहिए, आप सभी का प्यार मिलता रहेगा। तो ऐसी और भी हजारों हजारों वीडियो आती रहेंगी, अपना प्यार बनाए रखिएगा। आहा, करिए दर्शन श्याम सुंदर के, मेरे श्याम के दर्शन करिए, बाबा के दर्शन करिए और लगाइए अपनी अरदास बाबा के श्री चरणों में। सामने से ठाकुर जी आपको देख रहे हैं, करिए दर्शन। हे बाबा श्याम, जो प्रेमी आपके दर्शन कर रहे हैं, उन सभी प्रेमियों की कोई भी एक अर्जी आज आप स्वीकार करिए। कृपा करिए श्याम सुंदर, मेरे ठाकुर जी महाराज कृपा करिए। खाटू धाम से सभी प्रेमी दर्शन कर रहे हैं बाबा के, बड़े दिव्य दर्शन हैं बाबा के, आप सभी दर्शन करिए, बाबा की जय जयकार लगाइए। कोई भी अरदास बाबा के श्री चरणों में लगाइए, बाबा से कहिए कि प्रभु मानसिक यात्रा से वास्तविक यात्रा का फल मिलता है, कृपा कर दीजिए, कृपा कर दीजिए, अरदास स्वीकार कर लीजिए ठाकुर जी। सभी प्रेमी अपनी अरदास बाबा के श्री चरणों में लगाएंगे। हाँ हाँ, करिए दर्शन मेरे श्याम सुंदर के, अति उत्तम एवं मनमोहक दर्शन है बाबा के। सभी प्रेमी दर्शन करते रहेंगे, जयकारा लगाते रहेंगे। अब हम सभी प्रेमी बाबा हनुमान के दर्शन करेंगे, बाबा हनुमान जी महाराज के दर्शन करेंगे सभी प्रेमी। ये देखिए अखंड ज्योति के दर्शन करिए, जब दोनों आँखों से देखोगे ना तो ये ज्योति दिखाई नहीं देगी, लेकिन जब एक आँख बंद करके देखोगे तो ज्योति दिखाई देगी। बाबा हनुमान जी महाराज के दर्शन करिए, पुजारी महाराज से आशीर्वाद लीजिए, जयकारा लगाइए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। दर्शन करिए बाबा हनुमान के, बाबा के दर्शन करिए, पुजारी महाराज से आशीर्वाद लीजिए, फिर से अखंड ज्योति के दर्शन करिए। अखंड ज्योति के दर्शन करके अपनी अरदास अपनी अर्जी लगाइए बाबा के श्री चरणों में। पता नहीं कितने वर्षों से ज्योति चलती आ रही है, ये श्याम दीवानी आरती, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, कलयुग की लीला श्याम दीवानी आरती था, इनके भी दर्शन कर लीजिए, क्योंकि ये भी बाबा के दरबार में हर रोज निशान चढ़ाती हैं। तो यह आपकी यात्रा संपूर्ण हुई। जिन प्रेमियों ने इस वीडियो को प्यार से आदर के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ देखा है बाबा श्याम, उन सभी प्रेमियों की एक एक अरदास आज आप पूरी कर दीजिए। जय श्री श्याम।